खाएगी? नहीं, मेरा रबड़ी नहीं लेना गलती से। भाई तेरा रबड़ी ना वैसे का वैसे ही रखा है, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। गलती से भी नहीं, गलती से। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये मेरा नाश्ता है। नाश्ता एक्चुअली मैं तो उठ चुका हूँ सुबह 7 बजे से, तो चलता है। अभी 12 बजने को आया है, ये अभी उठी है। तो उठी है तो हिरन की वजह से, वरना और सोती। ठीक तो टाइट लग रहा है कि मेरे हाथ नरम पड़े। ठंडी में लगता है वो सब, सब कुछ भी खुलने जाएगी ना तो तेरे को वही लगेगा। अरे पर खुल नहीं रहा है वो। इट्स अ मैन जॉब यू नो। हाँ, रोज मैन जॉब करता है। ले खुश, थोड़ी सी चाय मिलेगी इसमें से। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना टकाटक तैयार होके ये हैंडसम सा मुंडा किधर जा रहा है। वेल, ये कब हुआ? अरे मैं रात को भूल गई थी। मैं सोने जा रहा हूँ, बस सुबह से उठाओ। अभी बस जाके झपकी मारूंगा, इसके लिए खा रहा हूँ कि ना खा के अच्छे से सो सकूँ। मैं मीठी सी नींद है मेरे को, 2-3 बजे तक उठूंगा फिर मैं बाहर जाऊंगा। बाहर जाऊंगा। लाओ दो कचरा, कहाँ है, कहाँ फेंक के आना। पहले खा लो फिर थोड़ा धूप भी सेक लो, अच्छी बात रहती है। ओ मैं क्या बोली तूने, धूप क्या? मैं सुबह से सेक रहा हूँ, बोल भी मत पागल लोग। शाम के 6 बज रहे, बस अभी सोकर जस्ट उठा हूँ 15 मिनट पहले। अभी दीप्ति और इरेन अंदर सो रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने, बासित, कलीम और शायद उबेद भाई। शायद इसलिए क्योंकि उबेद भाई कभी टाइम पे मिलते नहीं, अभी भी शायद ऑफिस में ही है। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं। तो मैं पहले जा रहा हूँ अंधेरी, बासित को पिक करूंगा, पिक करके फिर सीधा मैं, बासित, कलीम सीधा मिलेंगे इंडस में। तो अभी देर नहीं करता हूँ, निकलता हूँ क्योंकि 6:30 बजे तक पहुँचना है। 20 मिनट में तो पहुँच ही जाऊँगा वैसे मैं। फिर भी आजकल ठंडी बहुत ज़्यादा है तो मैंने इसलिए मोटा मोटा जैकेट पहन लिया। वैसे भी कफ है तो डबल लेयर है, अंदर मोटा सा स्वेट शर्ट है और उसके ऊपर एक बॉम्बर जैकेट। अभी ज़रा KTM गर्म करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत दिन से ऐसी खड़ी है। तो अभी यहाँ से निकल के सीधा जाते हैं ऑडी के शोरूम। बाइक अपनी गर्म हो चुकी है, मामा भी देख रहा है। क्या मामा, कैसे? चलो निकलते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ ऑडी के बाहर। अभी बासित को कॉल करते हैं, बासित को बाहर बुलाते हैं क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊँगा। अभी हेलमेट वेलमेट कौन निकाले, इसलिए बासित को बाहर बुलाते हैं, बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो कलीम जिम में है, उबैद भाई भी शायद जिम में होंगे, देखते हैं। What's up? It's cold bro. Actually it's cold. तो ये क्या है, डबल डबल है भाई, ठंडी लग रही है मेरे को। ब्रीज आ रही है, देखो ठंडी। मुंबई में भी 15 डिग्री तक आया है बोल रहे हैं सर, 18 से 15। तो क्या पहने नहीं है कुछ? ठीक है, क्या लाए सामान में तुमने? ये मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाया। ओह माय गॉड, विंटर कलेक्शन इन द विंटर। हैं, ज़ारा का? एक्चुअली मैं कुछ लगा के नहीं आया था, मैंने बोला कि भाई है तो बताओ क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा है, आज मैंने परफ्यूम नहीं लगाया। ऐसे लोग से मिलने के बाद है ना ऐसे ही होता है, खर्चे वाले लोग, खर्चे की दोस्ती कर ली मैंने। बहुत गरीब हूँ। लाओ तुम्हारा सामान रख देता हूँ। बैठ गए भाई, पीछे टेका दो मस्त एकदम, मजा। बस ठंडी लगेगी तुमको, थोड़ी देर में हीटर चालू होगा इसका तो गर्म हवा भी आएगी। ठीक है, तो अभी सीधा मिलता है इंडस जिम में। और कहीं जाना तो नहीं है अपने को? सीधा इंडस, उसके बाद डिसाइड करते कहाँ जाएंगे। अभी हम लोग इंडस पहुँच चुके हैं, बासित और मैं यहाँ पे। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो कैसा वर्कआउट कर रहा है कली। देखो फोन पे रहता है पूरा टाइम। ए भाई चलता, चलना क्या हुआ, ये झूठा झूठा दिखा मत, मुँह पे पानी मारा तूने, सब दिखा हुआ है, सब दिखा हुआ है। तो मैं, कलीम और बासित, अभी हम तीनों सोच रहे कि कहाँ खाने जाए, बहुत भूख लग रही है हम लोगों को। एज यूजुअल उबेद लटकी अंसारी ने लटकी दे दी। लटकी अंसारी नया नाम, नया नाम मैंने रखा है भाई, मैंने नाम रखा है, ये मैंने नाम रखा है उबेद अंसारी, उबेद लटकी अंसारी पूरा नाम है। हर चीज में लटकी दिया भाई ने, कहाँ कहाँ नहीं दिए, बहुत जगह दिया भाई, और किसको किसको नहीं दिए लटकी। ओ भाई जाना कहाँ पे अपने को खाने के लिए? ड्रेसिंग ड्रेसिंग मार के आया, कहाँ हो यार? ठंडी है भाई, ठंडी है, अपने को मुंबई वालों को वाला नहीं लग रहा, लंदन में घूम रहे थे। हाँ भाई क्या बोल रहे हैं, लंदन में घूम रहे भाई? अरे भाई जाना कहाँ है वो बता पहला, जहाँ तुम ले चलो वहाँ चले जाएंगे, कहीं आस पास ही चलते वही खा लेंगे फिर निकलते। तो उबेद भाई नहीं रहते ना, हम लोग मन नहीं करता यार खाने के लिए। जैसे लास्ट टाइम कलीम नहीं था, मैं और बासित थे, तो उबेद भाई और मैं खा नहीं पाए अच्छे से, वैसे ही क्या नहीं पड़ता है। तो बासित कह रहा कि बाहर में गए सब लोग, इसको बहुत भूख लग रही है, ठीक है अपन भी जाते, चलो मास्क पहन लो सब लोग अपने, चलो भाई। आज हम बैठे खुले आसमान के नीचे, क्या मंगाया अपने, क्रिस्पी
क्रिस्पी लॉलीपॉप और ट्रिपल। पहले ये बोल देते थे ना, अरे कली कैसा मेरा भाई, तो कैसा है तू, एकदम सच में लगा लंदन वाली फीलिंग आ रही तेरे में आज। नहीं भाई ये मैंने ना बहुत पहले लिया था, तुम जितनी भी तू मेरी फोटो देखेगा ना, मनाली बोल लद्दाख बोल सब में यही पहना मैंने। अच्छा जो अपन मनाली बनी है, हां ये वही है, यही है। अभी तक चल रहा है, फटा भी नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो टाइम पे तो पता भी नहीं था मेरे को क्या है ये फुटबॉल क्लब है करके, क्या है ले लिया था ऐसी डिस्काउंट में था। नहीं आजकल बोल रहे तू कॉमेडी नहीं करते हैं वीडियो में, गलत है ना। कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कॉमेडी मेरी कॉमेडी आती नहीं। पका दिया, चल बस हो गया। ओहो तो ये आ गया लॉलीपॉप, ये रहा हमारा क्रिस्पी, ये भाई का वेज वाला खाना आ रहा है क्योंकि इसने पता नहीं कुछ तो अंडे शंडे प्रॉमिस करके रखा है किसी को कि वेज खाएगा। हट चिकन खाते अब, चिकन खाएंगे तब तो लॉलीपॉप, प्रीटी प्रीटी लॉलीपॉप, माय गॉड। चल भाई बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा लगा आया तू, अच्छा लगा। हाँ बहुत दिन के बाद मराठ से इंडस आया। ओह अबे आप आओ घर पे कभी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे ना। चलो भाई आप भी ख्याल रखो, मिलते रहो, अंधेरी आएंगे तो जरूर मिलेंगे आपके, कॉफी पिलाना ऑडी में, कुछ बोल दो आप, बोल सब लोग बोलते हैं आप कुछ बोलते नहीं। इंग्लिश आ गई, इंग्लिश आ गई, इंग्लिश में प्लीज कुछ बोल, बोल दो, दो बोल, सी यू सून। मैंने दो लव बोलने बोले थे, दो तीन नहीं, सी यू सून तीन हो गए। सो दिस इज द नेक्स्ट डे, आज ट्यूजडे मॉर्निंग है। ओ बाप रे बाप, मैं लेट हो गया ऑलरेडी, मैं काम करता हूँ, पहले ड्राइविंग के लिए जाता हूँ, ड्राइविंग से आने के बाद मैं आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हो गए मोटर ट्रेनिंग आज की ख़त्म, आज गाड़ी मैंने थोड़ी सी रफ चलाई तो वो बोल रहे थे भाई थोड़ा सा रफ मत चलाओ, आजू बाजू देख नहीं रहा था इतना, सिर्फ निकालने निकालने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों अंदर से ही वही राइडर जाग गया अपना। और वैसे आज मैं अपनी KTM लेके गया था और मैंने टॉप बॉक्स निकाल दिया, इसका रीज़न एक ही था, ये प्लेट थोड़ा सा हिल रहा है एज यू कैन सी, अभी इतनी हिलती हुई और इतनी आवाज़ जो कर रही है ना इससे ज़्यादा करती है जब टॉप बॉक्स होता है, तो वेट होता है ना तो और ज़्यादा ऐसे 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 हिल रही थी, और उससे क्या हो रहा था मेरा हैंडल है ना पूरा वॉबल कर रहा था। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको निकाल दिया, अभी इसको टाइट करूँगा पहले, उसके बाद ही मैं इस पर लगाऊँगा, क्योंकि क्या होगा फिर कि अगर लगा दी मैंने और स्क्रू लूज़ हो गया तो टॉप बॉक्स के साथ में गिरने का चांसेस हो सकता है, और या फिर हैंडल ज़्यादा वॉबल होने की वजह से एक्सीडेंट होने का चांसेस हो सकता है, तो अपने को वो नहीं चाहिए। फिलहाल उसको टाइट कराऊँगा, उसके बाद ही पैनियस वैनियस जो भी है अपन लगा के घूम सकते हैं। अभी ऊपर जाते हैं और अपने को आज दो काम है बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो दीप्ति का एक्सरे, उस दिन नहीं हुआ एक्सरे क्योंकि टाइम चले गया था, और दूसरे दिन उनका सर्विस हो रहा था यहाँ पे बाजू में जो है, फिर हम लोग भी नहीं जा पाए। और आज इरेन का वैक्सीन कराना है, बहुत टाइम से रुका पड़ा है क्योंकि कभी वो जब वैक्सीन का टाइम आ रहा था या तो वो बीमार हो रहा था या तो हम लोग यहाँ पे नहीं थे, तो यही चलते 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 वैक्सीन रुक रहा था, तो आज हम लोग ने सोचा कि नहीं रुकते नहीं है, जैसे तैसे कंप्लीट करके लेंगे क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस अभी जाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, उन दोनों को उठाते और निकलते हैं। 9 बज रहे और दोनों सो रहे हैं अभी भी, वैक्सीनेशन का टाइम है 12 बजे तक का, तो अभी मुझे उठाना पड़ेगा, तैयार करते करते सब होते होते एक घंटा तो लग ही जाएगा नाश्ता करते, और एक्सरे का टाइम जो है वो 1:30 बजे तक का है, तो मतलब हम लोग अगर वैक्सीनेशन लेके आते हैं लौटते वक्त ही इसका एक्सरे भी करा लेंगे। ब्लड रिपोर्ट आ चुकी है, ब्लड रिपोर्ट का अपडेट दीप्ति देगी कि उसको पता है, मुझे नहीं पता क्या आया है उसमें, जब वो उठेगी तो मैं उससे पूछता हूँ। गुड मॉर्निंग, हाँ एक घंटे में निकलना है, नाश्ते में क्या खाएगी? कुछ नहीं होता, टाइम नहीं मिलेगा। अरे नाश्ता तो करना पड़ेगा ना, नाश्ता करके जाने का? मैं छोड़ो, ठीक है तू मत कर, मैं तो करने वाला हूँ, मैं तो नहाऊंगा भी इतनी देर में, देख नहा दो के रेडी, बिना नहाए मैं तो निकलूंगा, सॉरी नॉट लाइक यू। आज बड़े डायलॉग मारे ना कि निकलूंगा, बहुत टाइम बिना नहाए बहुत क्या गए, बे 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 क्या बु 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 बु, ये तो स्टार्ट में डालूंगा पक्का, ये उड़ गया, ये भी उड़ गया। हाउ आर यू ब्रो, हंस दो ना, हंस दो ना, एक सबके लिए हंस दो, एक और बार हंस दो, एक बार सबके लिए। हो गया मेरा नाश्ता, तो अभी तक चाय नहीं पी तूने, तो चाय बनने के लिए टाइम लगती है। अच्छा इरेन उड़ गया ना, इरेन उड़ गया है, अभी मैं उसको लेके जा रहा हूँ नीचे, थोड़ा सा धूप दिखा के थोड़ा सा ऐसा राउंड मार के आता हूँ 10-15 मिनट, तब तक तू रेडी हो जा। मास तो बढ़ गया इरेन, धूप लेके मजा आ रही है सनबात करके, चलो घूम के आते हैं। चलो तो बस बहुत धूप ले ली ना, चलो अभी ऊपर जाते हैं क्योंकि 9-10 बजे की धूप है, इतनी अच्छी नहीं होती है बच्चों के लिए, तो फिलहाल ठंडी का टाइम करके इतना हार्श भी नहीं है, तो जितनी ले सके ले ली 10 मिनट की, अभी ऊपर जाते हैं। अरे लिफ्ट गई वापस, हमेशा ये हो जाता अपने साथ।
मैं भी रेडी हो चुका हूँ और मेरा बाल भी मस्त और एकदम मस्त लग रहे हैं, एकदम बाउंसी बाउंसी हो गए जब से मैंने इरेन के प्रोडक्ट्स यूज करने चालू हो गए। अचानक सूट हो गया मेरे को। बेबी ऑयल है कि बेबी हेयर ऑयल है? वो बेबी ऑयल है तो मैं सर पे क्यों लगा रहा हूँ उसको? इसने बोला कि ये लगाओ, बेबी ऑयल लगाओ, पैराशूट मत लगाओ, अगर नहीं जमता तो पैराशूट मत लगाओ। तो मैं इसका बेबी ऑयल लगा रहा हूँ, विटामिन ई वाला। शैम्पू भी इरेन का ही यूज कर रहा हूँ, जॉनसन एंड जॉनसन वाला। इससे एक चीज हो रही है कि मेरा स्कैल्प है ना अभी इंची इंची नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जब से दूसरे शैम्पू यूज कर रहा था तो बहुत इंची हो गया था मेरा स्कैल्प। और एक्चुअली में सब बहुत लोगों का ऐसा होता है, जब ठंडी आती है तो इंची स्कैल्प होता है, फिर डैंड्रफ डैंड्रफ हो जाता है सर में। और मेरे सर में तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा था, तो मैंने शैम्पू चेंज कर लिया। मतलब इरेन का जब से ट्राई किया, 4-5 बार जब से वॉश किया है तो पूरा प्रॉब्लम निकल गया और अभी इंची भी नहीं लगता है स्कैल्प मेरा। ऐसा बोलते हैं कि बच्चों के प्रोडक्ट्स में हार्मफुल केमिकल नहीं होते, अब वो कितना सच है पता नहीं, माइल्ड रहता होगा इसलिए शायद से कर रहा है। चलो निकलते अभी। तो हम लोग आ गए और यहाँ पे सिर्फ बच्चों की रोने की आवाज ही आ रही है, सबको लग रहा है एक के बाद एक टीका। अभी इरेन का आएगा नंबर थोड़ी देर में। अरे ये तो रो ही नहीं रहा है, घर जाके सब रो रहे, क्या हुआ? थोड़ा बुखार आएगा बोले। हाँ अच्छा, तो अभी जाए एक्सरे लेने? चलो चलो जाते हैं। हाँ इससे पहले इसको दुखना, चलो हम लोग को एक्सरे लेके घर पे पहुँचना पड़ेगा। बाय बाय। आओ अरे 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 कैमरा अरे 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 गंदा। नॉर्मल 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 एवरीथिंग इज नॉर्मल। अरे वाह क्या, अब तेरे बीपी की गोलियां चालू होने वाली है। मतलब अभी देखते हैं पहले डॉक्टर क्या बोलती है उसके ऊपर। तो चलो डॉक्टर के पास। कंटाल। तो मम्मा गई है केमिस्ट के पास दवाइयां लाने के लिए और बच्चू और मैं यहाँ पे ऐसे बैठे स्कूटर पे वेट कर रहे हैं। मम्मा कब आएगी, मम्मा को क्या हुआ, मम्मा बताएगी। आ गए मम्मा, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। तेरा कोकोनट पुडिंग ले ले वहाँ से, वरना भूल जाएगी। क्या 20 रुपया दो ना। हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, लेके आओ जाओ। कैश नहीं दे रहा बस, ठीक है दे रहा हूँ। चलो चौकसलैम मार रही इसको तू, तेरे को मारूंगा चौकसलैम। तो क्या बोला डॉक्टर ने? वो अपना स्पाइन वर्टिगो रहता ना ये, थोड़ा सा बेंड हुआ है तो थेरेपी करने बोला है। फिजियोथेरेपी करने बोला है। अच्छा। और दवाई चालू की है तो उसने बोला। होता क्या एग्जैक्टली, होता क्या था तुझे, चक्कर आती थी? हाँ चक्कर आती है, थोड़ा सा डिसबैलेंस होता रहता है, पर ऐसा नहीं कि एकदम चक्कर के में गिर जाओ, कंट्रोल में रहता है, बट ऐसा हिलते रहते। तो कल जाते हैं फिजियो के पास, बताते अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, कल से तेरा चालू हो जाएगा। मतलब रोज फिजियो के बजाय सोच रही थी होम विजिट अगर हो रहा होगा तो अच्छा है, इसको लेके कहाँ मैं जाऊँ, फिर आप क्या करोगे कैसे? ठीक है थोड़ा मुश्किल हो, पूछ लेते देखते हैं, होगा तो जरूर करते। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, होप पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करके जाना। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पीस आउट। मिलते हैं।